नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संत कबीर नगर की पुलिस लाइन में। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य के मद्देनजर शंभूनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पुलिस के सभी जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयाँ दी गई। डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव के नेतृत्व में शंभूनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल की कुशल टीम ने जवानों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव की माने तो रात दिन समाज को सुरक्षा देने वाले पुलिस के जवानों की सेहत का ध्यान रखना हम डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी है। पुलिस के जवानों के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए संत कबीर नगर में जिलाधिकारी और दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जो है सड़क पर उतर चुके हैं और जिन राजनीतिक दलों के पोस्टर और जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सड़क पर उतर चुका है। हमारे साथ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी हैं, जानते हैं मैडम क्या अभियान चल रहा है। ये देखिए, ये आदर्श चुनाव की संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो हम यही देख रहे हैं कि कहीं पब्लिक प्लेस में किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई बैनर पोस्टर ना लगे हों। और सभी से मेरी अपील है कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस है और कोविड गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करें। इसी के परिप्रेक्ष्य में कल हम लोगों की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी है, यदि उन्हें किसी नियम में कोई डाउट है। पीलीभीत शहर के नामचीन नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही के चलते एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद शव मांगने पर 35,000 रुपए पहले ही ले चुके हॉस्पिटल प्रबंधन ने 50,000 रुपए का और बिल पकड़ा दिया। लंबा चौड़ा बिल देने में परिजनों द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने शव देने से मना कर दिया, जिस पर भड़के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया तो हॉस्पिटल का स्टाफ लोहे की लंबी लंबी रॉड लेकर हमलावर हो गया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बलरामपुर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हत्याकांड का खुलासा हो गया है। सपा नेता फिरोज पप्पू की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। दरअसल बीते 4 जनवरी को उनके घर के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं हत्याकांड का मास्टरमाइंड पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उसका दामाद निकला। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेवा रिजवान, दामाद रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और हत्या में शामिल 3 अन्य मिराजुल, महफूज और शकील भी गिरफ्तार हुए। बता दें कि मिराजुल और महफूज ने ही हत्या को अंजाम दिया था। रमीज़ हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग डेढ़ दो महीने पहले प्लानिंग बनी थी। अब पूर्णता है ये क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें। मुरादाबाद में बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पीछे नहीं रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मेट्रो सिटी के साथ साथ छोटे शहरों में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर स्वास्थ्यकर्मी बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन में ADM और सिटी मजिस्ट्रेट भी बूस्टर डोज लेने पहुंचे। जिला अस्पताल के साथ कई सेंटरों पर लग रही है बूस्टर डोज। कानपुर में संगठित अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किदवई नगर पुलिस ने महिला अभियुक्ता को गांजे के साथ दबोच लिया। कंजडन पुरवार थाना किदवई नगर निवासी महिला के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार, उपनिरीक्षक रमाकांत गौतम, कांस्टेबल मोहित कुमार, महिला कांस्टेबल रेणु यादव आदि शामिल रहे।
यूपी में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव में होने वाले नियमों का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराया जाएगा, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगते ही बुलंदशहर के अफसरों ने अपनी कमर कस ली है। सभी 7 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। बुलंदशहर में सभी 7 विधानसभाओं के प्रथम चरण में मतदान होगा। बता दें कि 14 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक नॉमिनेशन होगा। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। 27 जनवरी को नाम वापसी की जाएगी। 10 फरवरी 2022 को प्रथम चरण में बुलंदशहर में मतदान होगा। रिबिलिटी और क्रिटिकलिटी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बढ़ी है, क्योंकि कल भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और हमारे यहाँ प्रथम चरण में चुनाव होना है। घोषणा से पहले एसडीएम, सीओ, एसएचओ के माध्यम से वल्नरेबिलिटी की मैपिंग कराई गई थी, क्रिटिकलिटी की मैपिंग कराई गई थी, और हम लोगों ने ये मानते हुए कोई भी हल्का भी संवेदनशील बिंदु है उसको लेते हुए वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किए थे और उनमें कितने वोटर्स हैं जिनको लोग वोट डालने से रोक सकते हैं चिन्हित किए गए थे। समझ जाए, इंस्पेक्टर भी समझ जाए कि वो हमारी निगरानी में है और तो ये प्रक्रिया चलेगी। प्रतिदिन मिनिमम एक थाने में की टीम जाएगी और हम सारी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, तो ये लगातार टीम बनी रहेगी। इसके अलावा मतदान के पूर्व पंजाब में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में मानसिक असंतुलित युवक ने अपने घर के सामने बने कुएं में छलांग लगा दी। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने आनन फानन में कुएं के तारों को हटाकर रस्सी के सहारे से कुएं से युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदौली भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के बाद जिला मजिस्ट्रेट संजीव सिंह और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की तरफ से कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि चंदौली में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को पूरी पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावी हो गया है। जनपद चंदौली में जारी अधिसूचना के अनुसार 7वें चरण में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसके अनुसार 10 फरवरी को अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी और 7 मार्च को यहाँ पर निर्वाचन दिनांक है और 10 मार्च को 2022 को काउंटिंग की जाएगी। निर्वाचन संबंधी हमारी सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो बोर्ड बूथ हैं उन पर एमएफ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, जैसे अगर आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, हमारे यहाँ बिहार के साथ 27 बैरियर हमने जो हमारे पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स और जो एक्साइज की टीम है पूरी लगी हुई है। कोई भी ऐसी गतिविधि वहाँ से जो आसपास के बिहार के पॉइंट्स हैं, इवन जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर हैं वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं। गाजीपुर के साथ है हमारा, यहाँ पर मिर्ज़ापुर के साथ है, सोनभद्र के साथ है, सभी जगह पर बैरियर्स को एक्टिवेट कर दिया गया, फोर्स लगा दिया गया है, उस पर चेकिंग चल रही है ताकि कोई भी सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बलिया के फेफना विधानसभा में, सिंहपुर और करचीपुरवा गांव में एक दर्जन गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही रेलवे नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। 10 गांवों को जोड़ने वाली रेलवे सम्फर मार्ग रेलवे की तरफ से कई सालों से बंद करने से नाराज गांव वालों ने 2022 का चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गांव वालों की माने तो सांसद, डीआरएम और रेलवे के जीएम से भी ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से मामले में कोई सुध नहीं ली गई। मामला यह है कि सिंहपुर करचीपुरवा के जोड़ने वाला जो रेल संपार रोड था, जो पीडब्ल्यूडी का भी पीच रोड है वहाँ पर, जब से ये रेल लाइन बना है तब से ये रोड था। 2016 में समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, क्षेत्रीय भेदभाव के चलते इस संपार को बंद कराया गया। वर्तमान में 2017 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा हुआ करते थे, लोगों से झूठा वादा करके गए कि आपका रेल संपार हम खुलवा दे रहे हैं,
आप यहाँ के लोकप्रिय उपेंद्र तिवारी हुआ करते थे, इनको विधायक बनाइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिद्धार्थनगर में भी जिला प्रशासन चुनावी बोर्ड में आ गया है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव 6वें चरण में 3 मार्च को होना है। 5ों विधानसभाओं पर 4 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में मतदाता सूची सहित चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पहले से ही चल रही थी। सभी विधानसभाओं में मतदान स्थल को मानक के अनुरूप व्यवस्थित करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। जहां जो कमियां हैं उसे पूर्ण कराया जा रहा है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बढ़ाएँ भी हैं और वल्नरेबल एरियाज भी चिन्हांकित किए गए हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वेबकास्टिंग भी, जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50% से ऊपर बूथ पे वेबकास्टिंग इस बार होनी है, वो भी हमने चिन्हांकन करवाए, उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी वीडियो व्यूइंग टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये सब एक्टिव हो गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमिटीज एक्टिव हो गई है। देखिए 1616 सेंटर हैं पूरे जनपद में, 1615 2458 बूथ हैं, जिसमें 230 सेंटर को क्रिटिकल पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रिटिकल माना है। 230 सेंटर्स को, उसमें जो भी क्रिटिकलिटी के जो कारक थे उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 106 गाँव ऐसे हैं जिन्हें वल्नरेबल माना गया है, यानी उसमें कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी या दबंग किस्म का आदमी इस तरीके का रहता है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है वोट डालने में। उन 106 गांव में 272 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ लोग घायलों को एक गाड़ी में भरकर ले जाते हुए देखे गए। वहीं छानबीन करने पर फैक्ट्री के बगल में स्थित एक क्षत विक्षत महिला का शव भी बरामद हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई के डर से फैक्ट्री मालक ने वहां काम करने वाले मजदूरों को वहां से हटा दिया। इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाबरी क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने और आग लगने की सूचना लगभग 1 बजे थाना बाबरी को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तमाम जो थाना पुलिस वरिष्ठ अधिकारीगण और फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची और वहां पर मौके का जायज़ा लिया गया। इस घटना में एक महिला जो है 40 वर्ष जिनकी उम्र है उनकी मृत्यु हुई है, और इसके अलावा अभी तक और कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद सहित कांग्रेस से बेहट सीट विधायक नरेश सैनी व सहारनपुर के देहात सहारनपुर सीट से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर सहित सपा में शामिल होने को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बैठक से पहले विधायक मसूद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल इमरान मसूद के फैसले पर सारा दारोमदार टिका हुआ है, हम सभी इमरान मसूद के साथ हैं। आगरा के थाना ताजगंज के एक होटल में रविवार को 2 युवकों ने खुर्जा की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती ने आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस युवती को थाने ले आई और युवती को मेडिकल के लिए भेजा। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर से कि एक महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है, तो इस पर हम लोगों ने कहते हैं तत्काल महिला से पूछताछ की, तो ये प्रकाश में आया है कि ये महिला उस व्यक्ति के टच में है और कई बार ये आगरा उनके साथ आई हैं, कई और जगह भी गई हैं। अब उस व्यक्ति की निशानदेही कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करी जा रही है। ये किसी होटल का मामला है किसी? हाँ, इन्होंने बताया कि कई बार जब आई हैं तो अलग अलग होटलों में रुकी हैं और अपने आप को उसकी मित्र बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उस जानते नंबर भी है, उसके नंबर के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। महोबा में बीते 4 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हैरान परेशान किसानों ने जनप्रतिनिधियों आला अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है, तो वहीं सदर विधायक ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। ये ऐसा है कि ये तो प्रकृति की मार है। पहले दिन पानी बरसा, उससे लगा कि हमारा भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है,
पानी की सिंचाई से किसान बच गया है, और निश्चित तौर पे पहले एक दो दिन की बारिश से तो किसानों को फला हुआ था, लेकिन अब अतिवृष्टि और ओलावृष्टि होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है। तो बहुत नुकसान है मेरा। अच्छा। मैं मतलब मैं वही देख के डरू हूँ, का बच्चा ना खवाऊँ, पनवाड़ी का रहने वाला, पनवाड़ी को रहने वाला। अच्छा। अभी कहाँ पे खड़े हैं? अभी ये खड़ी फसल ने वही गोरखपुर में पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल राप्ती नगर से लेकर चारगवां करीम नगर तक पशु तस्करों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज पशु तस्करों के द्वारा क्षेत्र के दर्जनों गाय गुम हो रही हैं। वहीं आज सुबह 3 बजे करीब करीम नगर चौराहे से सरवन यादव की 2 गायों को जबरदस्ती घर के अंदर से निकालकर गाय को लादकर ले गए। जब परिवार ने विरोध किया तो गोली मारने की धमकी देते हुए गायों को लेकर चले गए। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। माता जी कितनी गाय गई आपकी? 3 गाय गई हैं बाबू। पशु तस्कर ले गए? हाँ। 5 बजे एक गाय खुद पकड़ना हमारा, तो गाय हम जब उठली है तो एक गाय हमारे बच गई है। ओके पकड़ा था गाय को आगे ले गए स्पोर्ट कॉलेज के तरफ यहाँ, और बाद वहाँ से गाय मुड़ना फतेहपुर ले गई है। और 100 नंबर हमने सूचना दिया तो आए बताए कि क्या बात है। हमने कहा हमारी गाय गायब हो गई, तो कह रहे हैं कब गायब हुई, हम कहे ठीक है अभी गायब हुई है, तो कह रहे हैं ठीक है उसको चले गए। फिर 100 नंबर गाड़ी गाड़ी पे मैजिक पे गाय लग के जा रही थी। तो गोरखपुर की तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पशु तस्करों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पशु तस्कर लगातार गायों को वहां से गायब कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग वहां पर अब प्रदर्शन करने लगे हैं। आज सुबह की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 बजे करीब करीम नगर चौराहे से सरवन यादव की 2 गायों को जबरदस्ती घर के अंदर से निकालकर लाद कर ले गए। परिवार ने विरोध किया तो गोली मारने की धमकी देते हुए गायों को लेकर चले गए। तो ये बड़ा सवाल न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया उठा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है कि पशु तस्करों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो अब घर के अंदर घुसकर लोगों की गायों को ले जाने लगे हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि गोरखपुर में ये जो गांव है राप्ती नगर से लेकर चारगवां करीम नगर तक, ये यहां पर इस इलाके में कई गाय पहले भी गुम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दर्जनों गाय यहां से गुम हो चुकी हैं, और ऐसे में आज सुबह 3 बजे के लगभग करीम नगर चौराहे से सरवन यादव नाम के शख्स के घर से 2 गायों को पशु तस्कर जबरदस्ती निकाल कर और लाद कर गाड़ी में उसको लेकर चले गए। जब सरवन यादव और उनके परिवार ने विरोध किया तो धमकी दी कि गोली मार देंगे। तो ऐसे में सवाल लगातार उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में आचार संहिता लागू होने के बाद भी सपा के पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा महात्मा गांधी लोक कल्याण महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे, ना तो कोरोना नियमों को ध्यान में रखा गया और आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में संज्ञान लिया। ये पूरा मामला निघासन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जब से चुनाव आचार संहिता लागू हुई है तब से जनसभा करना, रोड शो करना या फिर नुक्कड़ सभा करना भी प्रतिबंधित है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई भीड़ को लेकर रोक टोक का आदेश दिया गया है। आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक आर एस कुशवाहा ने महात्मा बुद्ध लोक कल्याण महाविद्यालय में इस जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। अब ये सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की किसी भी जनसभा, इस तरह की किसी भी भीड़ भाड़ को इकट्ठा करने पर, चुनावी कार्यक्रम करने पर राजनीतिक पार्टी के द्वारा या किसी राजनेता के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये लखीमपुर खीरी से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो ये तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को नहीं मान रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, क्या इसी तरह की तस्वीरें आती रहेंगी? आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस कदर निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस का किस कदर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, किस कदर उनका ठास उड़ाया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि लखीमपुर खीरी से है। फिलहाल आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में संज्ञान लिया है। पूरा मामला निघासन थाना क्षेत्र का है। आज एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित करके जनसभा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसपे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा वहां एकत्रित लोगों को घर भेज दिया गया एवं कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध सुसंग
अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही। वहीं लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड मामले में 3 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आज मुकदमे की सीजेएम कोर्ट में पहली सुनवाई है। जेल में बंद मुकदमे के सभी आरोपी आज कोर्ट में बुलाए जा सकते हैं। मुकदमे के 2 आरोपी आशीष मिश्रा व अंकित दास को आरोप पत्र और केस डायरी उनके अधिवक्ता के माध्यम से दी जा चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।